यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है लकीर। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपनी प्यारी सर्वाइवल सीरीज, और इस एपिसोड में हम निकालने वाले अपने लिए फुल्ली नेदरराइट आर्मर। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब आप सोच रहे कि भाई मैं क्रीपर फार्म के पास क्या कर रहा हूँ, तो गाइस मैंने मिनिमम 2 घंटे तक AFK किया, और अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि इसने मुझे 2 घंटे में कितना गन पाउडर प्रोवाइड किया है। तो चलो लेट्स सी। ओके, तो कैसे ना गाइस, मुझे 5 स्टैक्स जो क्या गन पाउडर मुझे प्रोवाइड किया है, और मेरे हिसाब से भाई ठीक ठाक है, इतना भी ठीक नहीं है। और अभी चलते हैं घर पर, उसके बाद करेंगे सैंड माइन। तो गाइस मैं आया हूँ अभी सैंड माइन करने के लिए, तो जितनी हो सकती है उतनी सैंड मुझे यहाँ से कलेक्ट करके ले जानी है। और हाँ गाइस, मैंने अपनी एक स्किन बनाई है, ये गाइस मैंने खुद से नहीं बनाई है, मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड की है, और ये अब हमारी परमानेंट स्किन होने वाली है। तो चलो करते हैं अब सैंड माइन बिना किसी बकवास के। A few moments later. तो कुछ सैंड माइन करने के बाद मैं आया हूँ वुड माइन करने, तो चलो करते हैं वुड को भी माइन। तो गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद जो कि मैंने सारे मटेरियल को कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 63 TNT और कुछ बेड और कुछ पोशंस बनाया, ताकि अगर लावा आए तो मैं बच सकूँ। तो वक्त आ चुका है नैदर में जाने का, तो चलते हैं और नैदर में। और भाई बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं, क्योंकि यार नैदरराइट माइनिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। डायमंड तो हमें ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन नैदरराइट ढूंढना इम्पॉसिबल है समझ लो। तो चलो भाई, ये जो क्या लोडिंग हो चुका है, और एक है गाइस प्लीज़ मेरी आप कर देना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो गाइस, आप मुझे कुछ वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कर दो, जैसे अगर आप जो भी टॉपिक चाहोगे मैं उसके ऊपर आपके लिए लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊँगा। तो यहाँ पे भाई सीधा निकलते हैं, यहाँ पे हम माइनिंग करेंगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। सोल बायो में मेरे हिसाब से भाई हमें नेदरराइट नहीं मिलता, मेरे हिसाब से आप कमेंट में बता देना। तो अभी एक अच्छा सा एरिया ढूंढते हैं, उसके बाद वहाँ पे डिग डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एरिया अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, तो हम इस साइड करने वाले हैं, और ये हमारे नेदर पोर्टल से भी ज़्यादा दूर नहीं होने वाला है। तो चलो अभी यहीं पे हम करेंगे अपने माइन को स्टार्ट। और भाई जो मेरी पिकैक्स है ना भाई, लिटरली जो इसका स्पीड है ना भाई, क्या ही बताओ। ऐसे तो भाई मैं पक्का लावा में गिर जाऊंगा यार, मतलब इतनी तेज स्पीड में जो क्या चल रही है ना ये पिकैक्स, भाई साहब एकदम ख़तरनाक भाई। और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है नीचे जाते जाते, क्योंकि ये पिकैक्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रही है। तो चलो अभी यहाँ पे ब्लॉक लगाते लगाते चलते हैं नीचे की साइड, मतलब भाई डर लग रहा है यार ब्लॉक तोड़ने में भी, क्योंकि इतनी तेज़ जो चल रही है। तो चलो यार मैं ना थोड़ा बहुत जो कि गाइस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये पिकैक्स इतनी तेज़ चल रही है ना, तो कम से कम यार अगर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ना करूँगा तो वीडियो 10 मिनट की तो हो ही जाएगी। तो चलो करते हैं थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत जो क्या वीडियो को कट कर देना हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। One eternity later. तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं भाई लेवल 15 पे, और आप अब इंजॉय करना मॉन्टेज को। गाइस हम आ चुके हैं अपने बेस पर, और यहाँ पे भाई जो एंशियंट डेब्रिस मिली थी उसको भी मैंने स्मेल्ट कर लिया है। तो चलो अब जो क्या यहाँ से ले लेते हैं अपने गोल्ड के ब्लॉक, और उससे बना लेंगे गोल्ड, और यहाँ से लेते हैं वुड, उसके बाद बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। तो लेट्स गो। ओके, क्राफ्टिंग टेबल आर रेडी, और यहाँ से लेते हैं आयरन, क्योंकि अब हमारे बनानी पड़ेगी स्मेल्टिंग टेबल, ताकि जो हमारा आर्मर है हम उसको नेदरराइट में कन्वर्ट कर सके। तो लेट्स गो, बनाते हैं एक स्मेल्टिंग टेबल और उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और जो हमारे गोल्ड के ब्लॉक है इनको कन्वर्ट कर देते हैं गोल्ड में, उसके बाद बनाते हैं नेदरराइट इंगट। चलो भाई क्लिक हो जा। ओके,
ओके हमारे यहाँ पे आ चुका है 2 स्टैक एंड 9 गोल्ड। और चलो बनाते हैं नेदरराइट के इंगट। ओके बन के रेडी हो चुके हैं। और अब क्या करते हैं, अपने पूरे आर्मर को जो क्या है निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको नेदरराइट में जल्दी से करते हैं तो कन्वर्ट। ओ भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है यार देखने में। और अपने टूल्स को भी जो क्या है नेदरराइट में कर देते हैं कन्वर्ट। ओके पिकेक्स भी एंड शवल को भी कर देते हैं। तो फाइनली गाइज हमने अपने आर्मर को कन्वर्ट कर लिया नेदरराइट आर्मर में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो एक रेड हार्ट को भी कमेंट में ज़रूर से बोल देना। एंड जय श्री राम।